हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने किसी भी स्मार्टफोन का बैटरी इंडिकेटर कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल फोन है, इसका जो बैटरी का इंडिकेटर है, अभी ए वाला सेट है, आप यहां पर देख सकते हैं। और इसमें आपको बैटरी के अंदर ही बैटरी का परसेंटेज दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 56, यानी कि यहाँ पर हमारी जो बैटरी है वो यहाँ पर अभी 56% यहाँ पर चार्ज है। और दोस्तों, अगर आप चाहते इसे चेंज करना, इसे बदलना है, तो आप अपने इंडिकेटर को सेट कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले जो सेटिंग का ऑप्शन है उसे ओपन कर लेना है। इसके बाद आप देखिएगा, यहां पर आपको डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको डिस्प्ले पर क्लिक कर देना है। आप डिस्प्ले पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन निकल के आएंगे, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर इन्हें अवॉइड करना है। और यहाँ पर आपको देख लेना है, सबसे नीचे आप देखिएगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले जो लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको सबसे नीचे यहाँ पर फिर से देखना है, नीचे लिखा हुआ कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट, तो आपको इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से सबसे नीचे देखना है, यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ बैटरी इंडिकेटर, तो यहाँ पर आपको इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए यहाँ पर तीन प्रकार के इंडिकेटर दिए गए हैं, आप किसको यहाँ पर सेट करना चाहते हैं सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, चाहे तो इसे सेट कर सकते हैं, तो आपकी जो बैटरी चार्ज होगी या फिर आपकी जो बैटरी रहेगी इस तरीके से दिखेगी। और यहाँ पर आप मिडल में देख सकते हैं, तो हमारा सेट है ही, इस पर आप देख सकते हैं राइट मार्क भी लगा हुआ है। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो बैटरी है, हम यहाँ पर इसे भी सेट कर सकते हैं। तो आप किसे सेट करना चाहते हैं आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर आपको जो दिख रहा है इसको सेट करना चाहते हैं, हमने इस पर क्लिक किया, तो आप यहां पर देखेंगे कि हमारा जो बैटरी का इंडिकेटर है यहां पर चेंज हो गया है। यहां पर जो 56% बैटरी के अंदर ही दिख रहा था, अब यहां पर ये बैटरी के बाहर आ गया है। तो इस तरीके से आप किसी भी इंडिकेटर को यहां पर सेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने इस मिडिल वाले को सेट करके रखा है, तो दोस्तों आप जिसे चाहें उसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो भाई दोस्तों, यहां पर आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत